नमस्कार, मैं चेतना। NBCN न्यूज की पाक कला में आप सभी का स्वागत है। जब खाने की बात है, आपके हाथों का स्वाद है, तो सबके दिल तो आपके पास होने ही है। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए आप सबके दिल जीतने के लिए हमारी पाक कला की पहली पार्टिसिपेंट हमारे साथ आज यहाँ आ रही है। तो चलिए अब स्वागत करते हैं हमारी पाक कला की पहली पार्टिसिपेंट का, जिनका नाम है मिसेस शिल्पा शर्मा मैम। आइए। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ। ये वैसे तो बाय प्रोफेशन एडवोकेट थी शादी से पहले, लेकिन इन्हें खाना बनाने का शौक है, तो कब से ये शौक आपको शुरू हुआ? बहुत पहले से था, शादी का बढ़ गया, फिर घर वालों को उसको बहुत पसंद था खाना। ओके। तो मैं रोज नई चीजें ट्राई करते रहती हूँ। तो हस्बैंड को ज्यादा खाना बनाना पसंद है या सास ससुर को ज्यादा खाना पसंद है आपके हाथ का? नहीं, मेरे सास ससुर को, मेरे ननन को सब ज्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को उतना नहीं है। अच्छा, मतलब आपने खाना सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स को खुश करने के लिए सीखा है। और तो आज आप हमारे लिए क्या बनाने वाली है? आज पोहा कटलेट बनाएंगे। पोहा कटलेट बनाएंगे, नाम काफी इंटरेस्टिंग है। इसके लिए क्या इन्ग्रीडियंट्स लगने वाले हैं हम लोगों को? हमको पोहा लगेगा, आलू, मटर जी, जो हमारे घर में ही मिल जाता है जी। और हम कुछ हेल्दी बनाएंगे, पोहा खाते खाते हम रोज बोर हो जाते हैं। Exactly. तो हमको कुछ चेंज चाहिए रहता है। बिल्कुल, हमको चेंज करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट रेसिपी को। सबसे पहले हम लोग ले रहे एक कंटेनर, जिसके अंदर हम देना है। अच्छा, भिगा के हमने रखा हुआ है। कितने घंटे से भिगा के रखा है आपने इसको? आधा घंटा। मतलब नॉर्मली जैसे हम लोग पोहे बनाने के लिए करते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें ज्यादा रखना है। ओके। आलू उबले हुए हैं, मटर भी उबले हुए हैं, पोहा हम लोगों ने पहले आधे घंटे से भिगो के रखा है। अब हम चलिए अब हम तीनों चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें हेल्दी क्वेश्चन काफी ज्यादा है, और जितनी भी चीजें हमें दिख रही है यहाँ पर नॉर्मली हमारे घर पे अवेलेबल होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमको बाहर से लाना है या ऐसा कुछ है। ये तो हम डेली बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी वेजिटेबल्स हम डाल, मतलब इसमें हम पत्ता गोभी, गाजर और भी कई सारी चीजें अगर आपको डालनी है तो आप डाल सकते हैं। अच्छा, वैसे तो सब्जी खाते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पैटिस हम लोग बनाते हैं, तो हम इसमें शायद से लौकी भी डाल सकते हैं, ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा शायद। और क्योंकि यूजुअली लौकी मुझे भी पसंद नहीं है, और मोस्ट ऑफ द लोगों को लौकी पसंद नहीं होती। ओके, गाजर और बीट, इससे कलर भी काफ़ी अच्छा आएगा। एग्जैक्टली। तो हम लोग इस वक्त मिक्स कर रहे हैं पोहा जो भिगा हुआ है आधे घंटे से, उसके बाद मटर और आलू जो ऑलरेडी हम लोगों ने उबाल के रखे हुए हैं। तो तीनों चीज़ें इस वक्त हम लोग स्मैश कर रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ अच्छे से बाइंड हो जाए, ताकि इसके जब टिक्कीज बनाएंगे हम तो वो अच्छे से बाइंडिंग रहे, और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो फैले ना, इसलिए बहुत जरूरी है। ओके, हम इसको सेकेंगे, फ्राई करने में और ऑयल जाएगा। क्या बात है, प्लीज ये नोट कीजिए कि हम इसको बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको सिर्फ थोड़ा सा फ्राइंग पैन पे थोड़ा सा सेक लेंगे। ओके, तो कितना बीट लिया आपने, क्या क्वांटिटी ली इसकी? मीडियम साइज का। तो आप बीट को अच्छे से कीस लीजिए, एक बीट मीडियम साइज का लिया है, इससे काफ़ी अच्छा कलर आएगा, और बीट आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। यस, ये एडवोकेट है, लेकिन इनको बहुत सारी चीज़ें पता है। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि अगर आपको हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है तो आपको वैसे भी रोज़ एक बीट खाना चाहिए। वैसे अगर आप एक बीट भी रोज़, आधा बीट भी अगर आप अपने इसमें खाते हैं, जैसे आप ककड़ी रोज़ खाते हैं, वैसे बीट भी रोज़ खाना चाहिए। तो हम चारों चीज़ों को इस वक्त मिक्स कर रहे हैं। एक है हमारा पोहा जो आधे घंटे से भिगो के रखा है, उसके बाद आलू जो हम लोगों ने ऑलरेडी उबाल के रखे थे, उसके बाद मटर जो हमने उबाल के रखे थे, और उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर डाला बीट जो अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आप चाहे तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। ओके, प्याज अगर खाते हैं। लेकिन इस वक्त प्याज बहुत महंगा है, तो हम ज़रा प्याज सोच सोच के खाएंगे। कटी हुई मिर्च स्वादानुसार, नमक स्वादानुसार, इसके बाद हम डालेंगे काले मिर्च। एग्जैक्टली, काले मिर्च डालेंगे। लगता है शिल्पा जी को तीखा बहुत पसंद है, काफ़ी स्पाइसी। फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। ओके, बहुत ज़रा पीसा हुआ जीरा भून कर पीसा है आपने, भून तो ऑलरेडी जीरा पाउडर इन्होंने बना के रखा है। इसमें कई सारे मसाले अभी गए हैं, जैसे कि जीरा, काले मिर्च, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे तो भी चलेगा। और लेमन डालना। ओके, खटास के लिए हम लोग इसमें लेमन डालेंगे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हम लोग इसमें डाल रहे हैं, दिखने में काफ़ी फुल ऑन इंडियन स्टाइल डिश है, पूरी चटपटी सी डिश, एंड आई एम श्योर इसको खाने में भी बहुत मज़ा आने वाला है मुझे।
तो चलिए एक बार मैं रेसिपी आप लोगों के लिए दोहरा देती हूँ। सबसे पहले हमने पोहे लिए जिसको हमने आधा घंटा के लिए भिगो के रखा था। उसके बाद हमने उस पोहा के अंदर मटर डाले, आलू डाले, बीट डाले हैं, समार हरी मिर्च कटी हुई, जीरा पाउडर डाले हैं, काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम डालेंगे इसमें चाट मसाला। उसके बाद हमने उसमें आधा नींबू भी डाला ताकि उसमें एक अच्छी सी खटास सा फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा चाट मसाला, चाट मसाला डालेंगे। तो ये चाट मसाला आपने घर में बनाया? ओके, चाट मसाला, चाट मसाला बाजार में जो भी मिलता है कोई भी चाट मसाला यूज कर सकते हैं। नींबू डाला है, मिलाना है। अब इन सारी चीज़ों को हम फिर से एक बार अच्छे से मिला लेंगे ताकि अच्छे से एक दूसरे के साथ मिल जाए और फिर हम उसको अच्छे से बाइंड कर सकें। चलिए तब तक मैं पैन रख दूँ। बिल्कुल, तब तक हम पैन ले लेते हैं। तो चलिए हम लोगों ने फिलहाल पैन रख दिया है ताकि वह थोड़ा सा गर्म हो जाए। इसके बाद हम इसके मिक्स हो गया अच्छे से। जी, कोई भी शेप बना सकते हैं, मैं हार्ट शेप बनाती हूँ। क्या बात है, लगता है ये बिल्कुल अपने हस्बैंड को डेडिकेट करने वाली है, ये हार्ट शेप कबाब, रेड कलर का वो भी। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ओहो, क्या बात है, आप एडवोकेट है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लव मैरिज आपकी? नहीं, मैं बस जनरली पूछ रही हूँ, लव मैरिज है और अरेंज मैरिज है? हाय हाय, देखा, बोला ना इनकी स्माइल ने इनकी, मतलब बिल्कुल हम लोगों ने पकड़ लिया है इनको, इनकी लव मैरिज है लेकिन वो अरेंज करवा दी घर वालों ने। क्या बात है, शादी के बाद आपने आपने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, इसका कोई खास रीजन? शादी के बाद भी एक प्रैक्टिस करी हुई। अच्छा, फिर मेरी बीबी हुई, उसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। बिल्कुल। इस वक्त हम बना रहे हैं हार्ट शेप रेड कलर के कबाब, जिसके हम इसका कबाब कह सकते हैं हम, बिल्कुल पोहा के कबाब, जो स्पेशली ये अपने हस्बैंड के लिए लेकर जाने वाली है यहाँ से। तो ये बन रहे हमारे हार्ट शेप कबाब। क्या बात है, मुझे लगा था शायद आप साचा वाचा यूज़ करेंगे लेकिन आपने तो बिल्कुल हाथ से बना दिए। वेरी नाइस। देखा, ज़रूरत नहीं होती कि आपको वो बिल्कुल साचा चाहिए। हाय हाय, क्या डायलॉग हमारा है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से हमारा पैन भी गर्म हो ही है। बिल्कुल, आप जो शेप चाहे, जो शेप आपको पसंद आए, ज़रूरी नहीं है कि आपकी लव मैरिज नहीं है तो आप हार्ट शेप नहीं बनाएंगे। वो तो इन्होंने ऐसी, उनका फेवरेट है हार्ट शेप। बिल्कुल, कुछ अलग करना था। ज़्यादातर बच्चों को एक ही शेप बना के दो तो वो भी उनको पसंद नहीं आता है। क्या बात है, अब थोड़ा सा उसको क्रिस्पीनेस आ जाए ऊपर से, इसलिए हम उसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ओके, अच्छे से हमको उसको कवर करना है। तो हमने जितने भी हमारे चार पैटर्न्स बने हैं हमने उसको पूरी तरीके से ब्रेड क्रम्स से ढक दिया है, अच्छे से कवर कर दिया है। इसके बाद हमने पैन के ऊपर इसको थोड़ा सा फ्राई नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा सेक लेंगे हम लोग। तो अब हम एक काफ़ी कम कैलोरीज यूज़ हो रही है इसमें, बहुत थोड़ा सा तेल और कई सारे वेजिटेबल्स हम इसमें डाल सकते हैं, डाले हैं हम लोगों ने, स्पेशली वीट, जो काफ़ी अच्छा है आपकी हीमोग्लोबिन आपके हाथ के लिए। हो उतना ही आपका खाना दिखने में भी खूबसूरत होना चाहिए ताकि देखते बराबर ही इंसान को बिल्कुल उसे खाने की नियत हो जाए। तो ऐसी अच्छी सी प्लेटिंग यहाँ शिल्पा जी हमारे लिए करने वाली है। वेजिटेबल्स यूज़ करें तो वेजिटेबल्स लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, पत्ता गोभी है कटी हुई, वो हम लगा रहे हैं। क्या बात है, ये बारीक कटी, बिल्कुल फाइनली चॉप पत्ता गोभी और गाजर जो होती है जी, बिल्कुल काट के रखे उसको, वो भी बिल्कुल शेप में काट सकते हैं जी। इन्होंने भी काफ़ी फाइनली चॉप किया हुआ है गाजर को। और सारी चीज़ें आपको खानी है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पैटिस खाए और बाकी का सब छोड़ दें। यहाँ डेकोरेट की हुई हर चीज़ खानी है, खाने वाली चीज़, बिल्कुल सारी खाने वाली चीज़ें इम्पोर्टेंटली। गाजर में हम वैसे ही खाते हैं, बिल्कुल ककड़ी से भी थोड़ा सा। यूजुअली ऐसा होता है ना कि हम मेन कोर्स खा लेते हैं, जो साइड का जो डेकोरेट होता है वो हम अक्सर छोड़ देते हैं जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, जबकि वो भी आपके सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है और वह सब खाने वाली चीज़ें होती है, तो यू कैन ईट। तो हमारी ये जो पोहा कटलेट है तैयार हो रहा है, गोल्डन ब्राउन वो एक साइड से ऑलरेडी हो चुके हैं, सेकंड साइड से भी बहुत जल्द हो जाएंगे। हम
हम इसको सूखा तो नहीं खाएंगे, हमको कुछ चटनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसके साथ मीठी चटनी रखते हैं थोड़ा। हम इंडियन वैसे भी बड़े चटपटे होते हैं, हमें तो कोई चीज़ सूखी पसंद ही नहीं आती। ये चाहे तो सॉस यूज कर सकते हैं हम। आपने किस चीज़ की चटनी बनाई है? मैंने खजूर की और इडली की। खजूर वैसे भी सेहत के लिए अच्छा रहता है, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो हीमोग्लोबिन का बहुत ख्याल रख रही है शिल्पा जी, क्या बात है। क्योंकि बच्चों वैसे तो खाते नहीं है कि डाइट फूड लें बच्चे जी, 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 बिल्कुल। ज्यादातर बड़ों से ज्यादा मुझे बच्चों का ध्यान रखना है। एग्जैक्टली, आपकी छोटी सी बेटी है। ओके, इसमें ज्यादा ध्यान उसका रखती हूं। ये चटनी आपने कैसे बनाई? बस खजूर लेते हैं हम उसको, और उसको और थोड़ी सी इमली, बहुत कम क्वांटिटी में इमली लेते हैं। ओके, बॉईल कर लेते हैं। ऑलरेडी इन्होंने चटनी बना के लाई है, पर ऐसी ये चटनी बनती है, इसकी रेसिपी पूरी शिल्पा जी ने आपको बता दी है। आई थिंक हमारे कबाब भी तैयार है, बस दो मिनट लगेगा। और इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है और इसे मैं खाने वाली हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी। अच्छे से खा लेते हैं, उनको पता तो पड़ता नहीं है कि इसमें क्या क्या सब्जी बनी है। मतलब जो चीज़ें बच्चों को पसंद नहीं है, जैसे कद्दू हो गया, ऐसी कई सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, कद्दू नहीं, तरीके निकालने हैं सारी मम्मियों को कि कैसे हम बच्चों को हेल्दी खाना खिलाएं। तो ये काफ़ी सी हेल्दी सी डिश हमारे सामने आ रही है जो बिल्कुल रेगुलर है। सारी चीज़ें मोस्टली रोज़मर्रा के ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बहुत आसान भी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसे बनाने के लिए। वैसे भी इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल पकी हुई है, तो ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें थोड़ा सा कलरिंग के लिए भी चाहिए, थोड़ा सा क्रिस्पीनेस उसमें आ जाए ताकि खाने में और ज़्यादा मज़ा आए। बिल्कुल, बहुत लो कैलोरी वाला फूड है, तो आप बिल्कुल डाइट कॉन्शियस जितने भी लोग हैं वो बिंदास इसको खा सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। आई थिंक पेट भर भी खा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि आप बिल्कुल परहेज करो इन सब चीज़ों से। हमारे पोहा कटलेट तैयार हो चुके हैं, इसको हम प्लेटिंग के लिए रखेंगे। क्या बात है।